आज झालावाड़ में धनवाड़ा कच्ची बस्ती में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन जनकल्याणकारी समारोह के रूप में मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग शामिल हुए। सभी गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए गए एवं सभी का मुंह मीठा कर बहन जी के जन्मदिन को मनाया गया और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव रंजित यादव, जिला प्रभारी मकसूद मंसूरी, जिलाध्यक्ष चंद्र सिंह कराड़, मनोहर थाना विधानसभा अध्यक्ष बाल मुकुंद का हार, सुमित कुमार, बौद्ध भारती और गौतम आदि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारी बहन जी का जन्मदिन है 68वां, जिन्होंने सारा जीवन अपने समाज के लिए, अपने समाज की महिलाओं को जागरूक करने के लिए दे दिया है। और बहन जी ने हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हैं सबने समाज के लिए, मतलब कि अपना घर परिवार छोड़ करके समाज के लिए काम किया। आप लोगों को आज यहाँ पर अच्छा जीवन हमारे समाज के महापुरुषों को, पुरुषों की वजह से, उनकी देन की वजह से आप लोग अच्छे घर में रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाते पीते हो। नहीं तो आपकी जो लाइफ थी वो ऐसी थी कि आप पानी तक भी नहीं पी सकते थे। आपको पानी पीने का अधिकार भी हमारे बाबा साहब ने दिलाया है, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। आप लोग राम का नाम, मैं यहाँ आई हूँ, जब से मैं 3 साल से यहाँ आई हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ उनके साथ आप लोग राम राम करते हैं। राम ने आपके लिए क्या किया है, एक भी मुझे ये बता दीजिए कि राम ने आपके लिए क्या किया है। जो कुछ किया है आपके लिए हमारे महापुरुषों ने और बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने किया है, ठीक है। राम ने लड़ाई लड़ी तो अपनी बीवी के लिए लड़ी, आप लोगों के लिए लड़ी, बताइए मुझे। इन लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ करके आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और आप सुबह उठते के साथ राम का नाम लेते हो। मेरे को तो सोच करके एकदम वो होता है कि जिसने आपके लिए किया, आपको पानी पीने का अधिकार दिलाया, आपको इन घरों में रहने का अधिकार दिलाया, आप उनके बारे में जानते ही नहीं है। और जब तक आप उनके बारे में नहीं जानेंगे आप गुलाम ही रहेंगे, ठीक है, अछूत ही रहेंगे। क्योंकि हम अछूत नहीं है लेकिन अछूत आप खुद बने हो। मैं तो अछूत नहीं हूँ लेकिन आप लोग हो अछूत, क्योंकि आपको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पता कि आपको खाने पीने का अधिकार, घर, अच्छे घरों में रहने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार आपको किसने दिया। बाबा साहब खुद क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ते थे, उनको इतना अधिकार भी नहीं था कि वो क्लास के अंदर जा करके बैठ सके, तो क्लास के बाहर बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की। और उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि आप लोगों को संविधान में सारे हक अधिकार देके गए हैं। जिन्होंने आपको हक अधिकार दिए उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ ये कहूँगी कि अपने महापुरुषों को जाने। दूसरा, आने वाले समय में 2024 में अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है तो आप फिर से वही 5000 साल पीछे चले जाएंगे। आपके गले के आगे हांडी होगी, पीछे झाड़ू होगी, वही इतिहास दोहराया जाएगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपने देखा होगा ऐसी कोई महिला नहीं है जो अपने परिवार को नहीं बढ़ाना चाहती है। यह हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे विश्व के अंदर पहली महिला है जिन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। कारण, इन्होंने बचपन से ही लेकर युवा तक किसी का मुंह नहीं देखा और ये निर्णय लिया कि मैं पूरे जीवन समाज के साथ व्यतीत करूंगी, न मैं अपना परिवार आगे बढ़ाऊंगी, न मैं किसी प्रकार से शादी करके और किसी के साथ रहूंगी। मेरा जो भी काम है समाज सेवा का है और मैं समाज के लिए ही जितने दिन रहूंगी समाज के लिए जिंदा। मैं बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आज 68वां जन्मदिन हमने झालावाड़ जिले की खंडिया कॉलोनी में मनाया है। यहाँ पर कुछ कंबल भी वितरित किए हैं और सभी का मीठा मुंह कराकर, लड्डू बांटकर मीठा मुंह कराकर सभी को बहन जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं सभी ने यहाँ पर दी। जो वो समानता का अधिकार की जो बात है, जो मुंडला गांव में हमारे अभी मुंडला ही है, ये खानपुर विधानसभा क्षेत्र से आता है, तो मुंडला गांव में एससी एसटी
के जो लोग हैं वहाँ पर ओबीसी जनरल लोगों की मीटिंग थी भगवान राम के विषय में, तो उनके भोग के लिए या वहाँ चंदा देने के लिए हमें वो चंदा इकट्ठा किया सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने, तो ऐसे समाज के लोगों से भी चंदा लाया गया। फिर बाद में ओबीसी जनरल के लोगों की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में ये बताया गया कि एससी एसटी के लोगों से चंदा लाया गया है भगवान राम को वहाँ पहुँचाने के लिए या फिर उनको भोग लगाने के लिए। तो उन लोगों की मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया गया कि हम एससी एसटी के लोगों का पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इनका पैसा लिया जाता है तो हमारे भगवान अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये उस कमेटी का निर्णय था, कमेटी ने निर्णय करके जो उनका जो जितना भी चंदा था उस चंदे को वापस उसी कमेटी के लोगों ने जो है इकट्ठे होकर कर उस चंदे को लेकर के वो चंदा उन लोगों को वापस दिया गया जो एससी एसटी के लोग थे। एससी एसटी के लोगों से यही जाके कहा कि भाई ये हमारे, हम लोग जो आपसे चंदा ले गए थे इस चंदे को हम वापस हमारे मीटिंग द्वारा हमारी कमेटी द्वारा इसको वापस आपको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसका कारण ये है कि यदि हम एससी एसटी के लोगों से चंदा लेंगे तो हो सकता है भगवान इसको माने या नहीं माने, इसका भोग लगाएंगे तो भगवान का भोग अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो ये चंदा आप वापिस ले लिए। ये खबर मुंडला गांव की है, जो विधानसभा खानपुर के मुंडला गांव जो पड़ता है वो चर्चा भी है, अखबारों में भी वो आया हुआ है, उसका वीडियो भी कोई बना हुआ है। तो ये दुर्दशा हमारे समाज की है। अब हमें तो बेन जी के आशीर्वाद से, बाबा साहब के आशीर्वाद से मैं सर्व समाज से ये निवेदन करूँगा कि हमें हमारे समानता का अधिकार चाहिए। बस इसी के साथ मैं मेहरवानी को विराम।